प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल में उस समय हड़कंप मच गया जब सैकड़ों की संख्या में महिला स्टाफ और वार्ड बॉय अपने ही एक डॉक्टर के खिलाफ हंगामा करने लगे। प्रदर्शनकारी नर्सों का आरोप है कि स्वरूप रानी अस्पताल के डॉक्टर मुकुल आए दिन महिला कर्मचारियों के साथ अभद्रता और बदतमीजी करते हैं, जिसकी वजह से सभी महिला नर्स काफी परेशान हैं। बीती रात भी जब डॉक्टर मुकुल अस्पताल परिसर पहुंचे तो एक नर्स के साथ उन्होंने बदतमीजी की, जिसके बाद सुबह अस्पताल में मौजूद सभी नर्स आक्रोशित हो गईं और अपना काम छोड़कर के डॉक्टर के खिलाफ आवाज बुलंद करने लगीं। आए दिन डॉक्टर मुकुल सिंह आते हैं वार्ड में, बदतमीजी करते हैं, पी करके आते हैं और सब सारे स्टाफों के साथ वो करते हैं। एक स्टाफ का नहीं है, सारे परमानेंट स्टाफ हो चाहे संविदा के स्टाफ हो, सबके साथ वो ऐसा करते हैं। चाहे वार्ड बॉय हो चाहे स्वीपर, किसी के साथ अननेसेसरी मारते हैं, यूं ही मारते हैं, आए दिन मारते हैं। क्या हरकतें, क्या क्या करते हैं हरकतें? क्या बस अननेसेसरी नाम पूछेंगे चाहे सब कुछ भी बोल करके, ये नहीं है कि कोई मुद्दा लेकर के ऐसे ही मार डालते हैं। बदतमीजी बोलेंगे, कोने में आओ, स्टाफ बुलाते हैं कोने में आओ। तो कब ऐसी घटना, अब कल रात में कब हुई? दो ढाई बजे कर, साढ़े ग्यारह बजे हुआ है ये घटना। बैठे थे, कौन सी तारीख थी? सात तारीख थी, सात तारीख को रात में ग्यारह बजे। हाँ। अच्छा, क्या किया गया उनके? दारू क्या ड्रिंक करके आए, कैसे क्या है? नहीं, कैसे हरकतें पता चल जाती है? लिपस्टिक पाउडर देखते हैं, काजल देखते हैं, और क्या? तुम क्या करने आई हो? जो इस तरफ सजती हो, स्टाफ को कोने में बुलाते हैं, आप इधर आइए, दरवाजा खटखटाएंगे रात में दो तीन बजे रात में, कोई राउंड का टाइम है, राउंड का टाइम होता है दो तीन बजे रात में। वार्ड बॉय ने आरोप लगाया कि डॉक्टर मुकुल अस्पताल परिसर में बंदूक लेकर के भी आते हैं और आए दिन अपशब्द भाषा का प्रयोग करते हैं। आते हैं, बोलते हैं, कोई वार्ड बॉय बोलेंगे या सिस्टर नर्स बोलेंगे तो उनके साथ गलत करेंगे और गोली मार देंगे। क्या ऐसी कभी घटना हुई है? एक बार नहीं, दो तीन बार हो चुकी है। और धमकी दे के चले जाते हैं कि गोली मार देंगे तुम लोग को अगर कोई बोलेगा तो। स्वरूप रानी अस्पताल प्रयागराज का सरकारी अस्पताल है, जहाँ पर हमेशा सैकड़ों मरीज इलाज के लिए आते रहते हैं। महिला नर्सों के प्रदर्शन की वजह से मरीज काफी परेशान हुए, कई घंटों तक चिकित्सा की स्थिति बदहाल रही। हालांकि आला अधिकारियों के मौके पर पहुंचने के बाद आक्रोशित नर्सों को समझाया गया, जिसके बाद अब स्थिति सामान्य है। पंजाब केसरी टीवी के लिए प्रयागराज से सैयद रजा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।